नमस्कार, मैं हूँ सिमरन कौर और आप देख रहे हैं मनोहर समाचार। सेंट पीटर्स कॉलेज संजय प्लेस से नगर निगम ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। कॉलेज स्टूडेंट्स को पर्यावरण का संदेश देने और वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने के साथ मेयर, नगर आयुक्त और कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने विचार रखे। ट्री गार्ड के साथ लगाए जा रहे वृक्षों को बचाने के साथ निगम ने 10,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि शहर को ग्रीन और नवीन बनाया जा सके। पर्यावरण आज पूरे विश्व की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की आग में जल रहे वातावरण को अगर ठंडी छांव प्रदान करनी है तो निश्चित रूप से हमें वृक्षारोपण पर बल देना होगा। इसी सोच को अपना हथियार बनाकर आगरा नगर निगम ने सेंट पीटर्स कॉलेज से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे मेयर नवीन जैन, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश और कॉलेज के प्रिंसिपल फादर पॉल थेनिकल ने अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। 10,000 टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने शुरुआत आज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वृक्ष को जिंदा रखना है, वृक्षारोपण करना है तो टी गार्ड के साथ करना चाहिए। जो लोग बगैर टी गार्ड के वृक्षारोपण करते हैं तो वो अपने मन को खुश कर लेते हैं कि हमने वृक्षारोपण किया, लेकिन वृक्षारोपण करने के बाद वो पौधा 2 दिन 5 दिन 10 दिन में जानवर आते हैं उनको ख़राब कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमने निर्णय किया कि हम जो भी वृक्षारोपण का अभियान शुरू करेंगे टी गार्ड के साथ करेंगे। आज नगर निगम के द्वारा वृक्षारोपण का अभियान की शुरुआत है। आज का ऐतिहासिक दिन है आगरा के लिए, ऐतिहासिक दिन है कि एक साथ 10,000 टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हमने प्रथम चरण में जितने भी शहर के प्रमुख मार्ग हैं उन पर उनके किनारे वृक्षारोपण करेंगे और जो डिवाइडर हैं उन डिवाइडरों पर वृक्षारोपण करेंगे। और इस साल 10,000 का लक्ष्य है, अगली साल हम इसे बढ़ाने का काम करेंगे। तो 5 वर्ष में मेरा ये लक्ष्य है कि जो हमारे सामाजिक संस्था है उनके द्वारा, नगर निगम के द्वारा लगभग 75,000 वृक्षारोपण का कार्य टी गार्ड के साथ हो, तो ये 5 वर्ष में पूरा आगरा मेरा ग्रीन आगरा बन जाएगा। आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पे हम इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पे शहरवासियों को। हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए वृक्षारोपण होता है, टी गार्ड के साथ भी मान लीजिए हो जाता है, तो उसकी देखरेख कोई नहीं कर पाता है। हमने एक ही व्यक्ति को कई एजेंसी हायर किया और वो ही गड्ढा खोदेगा, वो ही उसमें खाद डालेगा, वो ही पानी डालेगा, वो ही वृक्ष भी लगाएगा और टी गार्ड लगाएगा और 3 वर्ष तक लगातार वो उसका संरक्षण करेगा, वो ही व्यक्ति उसका संरक्षण करेगा। तो 3 साल बाद पौधा जो है वृक्ष बन जाएगा, फिर कोई खतरे वाली बात नहीं रहती है। और हमने कहा कि 3 चरणों में हम उसको पेमेंट करेंगे। पहले चरण में 50% का भुगतान करेंगे, इसके 1 वर्ष बाद 25% का करेंगे और जो 3 वर्ष बाद पौधा जब पेड़ बन जाएगा तो बाकी का शेष 25% का भुगतान कर देंगे। ऐसा एक कार्यक्रम आगरा के लिए हो रहा है। 3 साल तक पेड़ को वो जब तक हम लोग उसको गिन नहीं लेंगे जितने पेड़ का भुगतान किया जाना है और वो सुरक्षित और देख लेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसा है, पेड़ का विकसित हो चुका है कि नहीं, उस सब देखने के बाद ही उसका पेमेंट। किस तरीके के पेड़ लगाए जा रहे हैं? इसमें कई वैरायटी हैं, कदंब है और आपका इसमें अलस्तोनिया है और इसमें गोल्ड मोहर भी है और इसमें बॉटल ब्रश है, इस तरह के पेड़ हैं। हर एक नागरिक ये करते हुए कि विशेषकर आगरा के, हमारे आगरा को स्वच्छ बनाइए, ग्रीन बनाइए और अच्छा वायु ऑक्सीजन के लिए बनाइए। इसलिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। पौधे लगाने से हमारे ऑक्सीजन बढ़ेगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, स्वस्थ अच्छे हो जाएंगे और हमारा आगरा सदा ग्रीन रखेंगे। इसी मकसद से बच्चों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। कॉलेज के बच्चों को वृक्षारोपण का महत्व समझाकर मेयर, नगर आयुक्त और प्रिंसिपल ने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। मेयर नवीन जैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू किए गए 10,000 वृक्षों का रोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाएगा ताकि वृक्ष खराब न हो और जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। वैसे भी वृक्ष धरा का आभूषण है और धरती का श्रृंगार करने के बाद हमें स्वच्छ वातावरण के साथ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हम मनोहर समाचार की ओर से सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर
उसका पालन पोषण अवश्य करें।